नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बिना कपड़ों के मिली मॉडल की लाश, उसके बाद सौतेले भाई ने खोला ऐसा राज जिसके बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। जी हां, पाकिस्तान के लाहौर के पॉश इलाके के एक घर से मॉडल की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मॉडल की पहचान 29 साल की नायबा नदीम के तौर पर हुई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक नायाब की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। उसका गला दबाकर हत्या किए जाने का शक है। नायाब डिफेंस हाउसिंग और थुफिक्स 5 इलाके के एक मकान में अकेली रहती थी। रविवार को नायाब का सौतेला भाई नासिर इस मकान में गया तो उसने नायाब को वहां मृत पाया। उस वक्त नायाब ने शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं पहना था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नासिर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोग के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें, ये भी खबर आई है कि नासिर ने बताया है कि उसके गैर मर्दों के साथ कनेक्शन थे जो फ्लैट पर आया करते थे। वहीं लाहौर के डिफेंस भी पुलिस स्टेशन के SHO नयार निसार के मुताबिक नायाब के शरीर और गर्दन पर कुछ निशान पाए गए हैं। इनसे शक होता है कि नायाब की हत्या से पहले उसे यातना दी गई। नासिर का कहना है कि इस इलाके से वो रविवार को गुजर रहा था तो उसने सोचा कि नायाब साहब मिलता चले। वहां जो नासिर ने देखा उसके होश उड़ गए। नायाब की लाश टीवी लाउंज में बिना कपड़ों के फर्श पर पड़ी हुई थी। इससे पहले नासिर ने नायाब को फोन किया था कि कोई जवाब नहीं मिला। नासिर ने देखा कि नायाब के घर के वॉशरूम की जाली भी उखड़ी हुई थी। नायाब की शादी नहीं हुई थी और वो इस घर में अकेले ही रहती थी। नासिर ने बताया कि वो बीते एक साल से सौतेली बहन का हालचाल पूछने के लिए समय समय पर मिलने जाता रहा था। नासिर ने घर की जरूरत का सामान भी कई बार पहुंचाया था। आपको बता दें, इस साल मई में भी लाहौर का DHA इलाका सुर्खियों में रहा था। तब यूनाइटेड किंगडम से आई एक महिला की लाश मिली थी। 25 साल की महिला की पहचान माया के तौर पर हुई थी। माया पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश नागरिक थी। वो 2 महीने पहले ही पाकिस्तान आए थी। उस मर्डर केस में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब एक वारदात आने से चारों तरफ सनसनी फैल गई है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।